मोहनगर पुलिस ने गांजा बेच रहे एक आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के पास से लगभग 4.5 किलो गांजा बरामद किया गया। दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ मुहिम चलाकर आरोपियों की धरपकड़ के साथ ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र में अपने पास गांजा रखकर ग्राहक की तलाश कर रहे आरोपी विक्की मुनेश्वर की जानकारी लगी, जिसके बाद एक्शन में आई मोहन नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्राहक की तलाश कर रहे गांजा बेचने के फिराक में बैठे आरोपी विक्की मुनेश्वर उर्फ बापू को ग्रीन चौक स्थित पेट्रोल पंप के पीछे से घेराबंदी करके पकड़ा। इसके पास से लगभग 4.5 किलो गांजा जब्त किया गया। इस संबंध में मोहन नगर थाना प्रभारी विजय कुमार ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। थाना मोहन नगर अंतर्गत जो ग्रीन चौक है, वहाँ पे गांजा वांजा के संबंध में लगातार सूचनाएं वरिष्ठ अधिकारियों को प्राप्त हो रही थी, जिससे श्री वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हमारे दुर्ग जिला के निर्देशानुसार वहाँ पे सतत निगाह रखी जा रही थी और मुखबिर लगाया गया था कि जो इस प्रकार की नशा के खिलाफ अवैध कार्रवाई की जाएगी करके। तो उस पर कल दिनांक को एक सफलता प्राप्त हुई, जिसमें विक्की मुनेश्वर उर्फ बापू इनके इनके समथिंग समथिंग 4.5 किलो के लगभग, जिसकी कीमत लगभग 36,000 गांजा इनको बिक्री करते हुए पकड़ा गया है और उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।